करके इससे हम लोग जीतें, ताकि हमारा देश का जो भविष्य अभी अंधकारमय होने जा रहा है। नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं जिस फिर न्यूज यानी कि ग्रामीण चहल पर। आज मैं उपस्थित हूँ बाकोया प्रखंड के ग्राम सफगंज में, और हमारे बीच उपस्थित हैं आदर्श महिला विकास स्वावलंबी सहायता समूह के अध्यक्ष द्रौपदी देवी। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि यह जो संस्था है किन किन क्षेत्रों में काम करती है और COVID-19 के लिए क्या कर रही है। मेरा नाम द्रौपदी देवी है और मैं आदर्श महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का अध्यक्ष हूँ बांके बाजार। हमारी संस्था 2003 से लगभग आज तक सामाजिक विकास आर्थिक विकास के रूप में काम कर रही है, और अभी COVID-19 कोरोना किस तरह महामारी के रूप में हमारे बीच आया और इसको हम अब किस तरह से निपटारा कर सकते हैं, तो इसी के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग मास्क का वितरण किए, सैनिटाइजर बनाए, इसके बाद अभी जो सरकार का टीकाकरण चल रहा है उसमें हम महिलाओं का योगदान बहुत कम हो रहा है, क्योंकि महिला इधर उधर भटक चुकी हैं कि यहाँ पर बहुत कोरोना वैक्सीन लेने से बीमार पड़ जाएंगे तो मर जाएंगे। ये सब हमारे भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम लोग एक कदम उठाए जिसमें घर घर हमारी जितना कार्यकर्ता हैं उन लोग को प्रशिक्षण दे करके घर घर महिला को बुला करके बात को समझा करके हर बैठक में इस पर चर्चा करके कि कोरोना को हम तभी भगा सकते हैं जब हम टीकाकरण कराएंगे। टीकाकरण ही एकमात्र हमारे पास उपाय है जिससे हम कोरोना को भगा सकते हैं। और जिस तरह से हमारे बीच पोलियो इतना बड़ा बीमारी आया था कि हम लोग के पास अगर पोलियो दवा हम लोग नहीं पिलाते बच्चा को, आज हमारे बीच इतना पॉपुलेशन विकलांग रहता कि हम लोग उसको रख नहीं पाते। आज पोलियो का ही देन है कि घर घर जाकर पोलियो पिलाया गया, आज पोलियो हमारे देश से ख़त्म हुआ, पोलियो मुक्त हमारा देश बना। इसलिए मेरा निवेदन हमारे क्षेत्र की महिलाएं, युवक, वृद्धा सभी से मेरा निवेदन होगा कि जिस तरह पोलियो को हम लोगों ने भगाया, उस तरह से कोरोना को भी हम लोग टीकाकरण लेकर के, हाथ अच्छा से धो करके, मास्क लगा करके, भीड़ भाड़ कम लगा करके इससे हम लोग जीतें, ताकि हमारा देश का जो भविष्य अभी अंधकारमय होने जा रहा है। हमारे क्षेत्र की महिलाएं, युवक, वृद्धा सभी से मेरा निवेदन होगा कि जिस तरह पोलियो को हम लोगों ने भगाया, उस तरह से कोरोना को भी हम लोग टीकाकरण लेकर के, हाथ अच्छा से धो करके, मास्क लगा करके, भीड़ भाड़ कम लगा करके इससे हम लोग जीतें, ताकि हमारा देश का जो भविष्य अभी अंधकारमय होने जा रहा है वो उज्ज्वल हो और हम एक अच्छा नागरिक देश को बन करके निकलें। यही हमारा एक सवाल और था कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ विधानसभा की चुनाव हुई थी और अभी पंचायती चुनाव है, क्या आपको नहीं लगता है कि यह पंचायती चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाई जाएगी, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? हम इससे तभी बच सकते हैं, चुनाव भी हमारा एक अधिकार है, चुनाव भी होना चाहिए, लेकिन हम नागरिकों का कर्तव्य होता है कि चुनाव में हम जाएं, प्रचार में हम जाएं, लेकिन कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वो हर नागरिक समझे, हर आदमी समझे, और कोरोना का प्रोटोकॉल को अपने अंदर से देखते हुए और हम चुनाव का कार्य करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा और चुनाव भी हमारा अच्छा से सुरक्षित हम करा लेंगे। लेकिन कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको हम देखते हुए ही चलेंगे, तभी हम इसको अच्छा से अपना देश के लिए करेंगे, और नहीं तो जो कोरोना का प्रोटोकॉल को अगर धज्जियाँ उड़ाते हैं तो अपने आप को हम लोग धोखा दे रहे हैं, सरकार को या देश को से ज़्यादा हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक सवाल और है और अंतिम सवाल है कि जो आपकी संस्था है अभी तक किन किन मतलब कि गांव में जाकर ये प्रयास किया है लोगों के बीच कि सैनिटाइज कीजिए, मास्क का वितरण की
क्या दो चार गांव का नाम बतला सकते हैं? बतला सकते हैं, हमारा गांव खुद सरपंच है, सरपंच में तो हम करवे किए, परसामा में हुआ, फिर पननिया में हुआ, फुलवाड़िया में हुआ, लुटुआ में हुआ, इस तरह से हम पूरे प्रखंड में 11 पंचायत है जी। तो लगभग हम अनेकों गांव में जी जी, एक गांव नहीं अनेकों गांव में हमारी कार्यकर्ता, हम लोग खुद वहां जा कर के सैनिटाइजर मास्क प्लस साबुन का इस्तेमाल करने के लिए महिलाओं को बताए, और जहां भी बैठक होता है वहां बैठक में हम महिलाओं अपनी कार्यकर्ता को बता दें, बैठक में एक चीज़ ज़रूर लिखिए कि हमको कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, कोरोना से हम कैसे बचेंगे, इस बात को हम जानकारी हर गांव में दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जेसीपी न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर आए, मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।